तो जी, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? वापस से स्वागत है नए वीडियो में, और दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ में। तो भाई, बहुत दिन के बाद आज मेरा एक नया ब्लॉग आ रहा है, और आज हम लोग आए हुए हैं वाराणसी के सारनाथ में, और यहाँ पे आके अब हम लोग चलते हैं अब अंदर, और ये सारनाथ मंदिर के बाहर की मार्केट है भाई। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, गर्मी तो है लेकिन पेड़ पौधे इतने लगे हुए हैं ना, तो उसे गर्मी का एहसास कम है। आ गए हैं गेट के अंदर और चलते हैं बंदर की तरफ। भाई यहाँ पे आने के लिए जो है सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ का खास ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो है गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाना होता है, और आप लोग कभी भी अंदर आते हैं ना तो यहाँ पे खाने पीने के सामान जो है वो बिल्कुल जो है मतलब कि यहाँ पे वर्जित है। ऐसा बताया जाता है कि गौतम बुद्ध ने इसी स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति की थी, और ये इसके पीछे जो पीपल का पेड़ लगा हुआ है, ये पीपल का पेड़ जो है मेन जो पेड़ है आपका ये बोध गया में है, और वहाँ से एक टहनी को लाकर जो है इसी स्थान पे जो है इसको लगाया गया था। और जो ये स्थान है ना, ये स्थान थाईलैंड के एक ट्रस्ट के द्वारा जो है इसका जो है देख रेख किया जा रहा है, और यहाँ की व्यवस्था भाई बहुत ही अच्छी है। जब इसके अंदर आप आएंगे ना तो इतनी मतलब कि शांति आपको देखने को मिलेगी कि आपसे क्या ही बताएं। और मंदिर बाहर से देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, खास करके इसमें लगा हुआ जो पत्थर है ना, वो पत्थर, और यहाँ पे बनी हुई है गौतम बुद्ध की प्रतिमा, और भाई ऊपर का पोर्शन देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मतलब बल्कि दूरी है लेकिन जो है ऐसे देखने में जो है कम लग रही होगी। और ये जो जगह है ना, ये जगह जो आपकी बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है, तीन तीर्थ स्थान आपके लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, उसमें से सारनाथ भी एक है। और भाई ये जो सामने जो मूर्ति देख रहे हैं ना, ये आपकी जो मूर्ति है ये 16 मार्च 2011 में यहाँ पे थाईलैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा जो इसको जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ था, और इस मूर्ति की जो ऊंचाई है ये करीब 80 फीट बताई जा रही है, और इसमें करीब 550 जो है आपके जो है पत्थर जो है इसको जो है यूज़ किया गया है। और भाई यहाँ का एरिया देखेंगे ना, ये मतलब बहुत ही शांत है। और ये जो जगह है, ये जगह गंगा और वरुण नदी के संगम पर वाराणसी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे जो है पूर्वोत्तर में स्थित है। और सारनाथ में एक आपका जो है डियर पार्क भी है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहली बार धम्म को पढ़ाया था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को आना कैसे है। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है आपका जो है वाराणसी है, और आप बाई ट्रेन जो है यहाँ पे डायरेक्ट सारनाथ आ सकते हैं, और बाई रोड आपको जो है हर जगह से आपको जो है बसेस वगैरह जो है यहाँ पे मिल जाती हैं। अभी इसमें तो आपको जो है फूल वगैरह नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जिस तरह देखेंगे तो आपको जो है फूल देखने को मिल जाएंगे। और इस जगह को देश विदेश के बौद्ध तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ पर आपको थाईलैंड, तिब्बत, जापान, श्रीलंका, म्यांमार जैसे कई देशों से यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के लोग जो है यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और भाई ये जो मूर्ति देख रहे हैं ना, ये मूर्ति जो है 2001 में जो है इसको जो है तोड़ दिया गया था, लेकिन इसको फिर से बनाया गया है। और भाई आप लोग क्या चीज़ और बताना चाहते हैं कि जो ये जो मूर्ति बनाई गई है ना, ये मूर्ति जो है यहीं पे जो है दलाई लामा ने एक गांव यहाँ पे जो है स्थापित करवाया था, उस गांव का नाम है बहुजन हिताय, और वो गांव जो है करीब 4 किलोमीटर की रेंज में जो है बसा हुआ है, और वहीं के लोग जो है इस मूर्ति को जो है बनाए हैं, और उन लोगों का मेन पेशा जो है यहाँ पर जो बनारसी साड़ी वगैरह जो आपकी जो बनती है ना, वो लोग जो है इसी का जो मेन काम जो है करते हैं, और बाकी जो पत्थर वगैरह काम भी जो है ये वही लोग करते हैं। और ये जो सामने देख रहे हैं ना, ये अशोक चक्र है, और 22 जुलाई 1947 को इसको तिरंगे के बीच में बनाया गया था। और ये जो आप जो सामने देख रहे हैं ना, ये सिंह स्तंभ है, और ये सिंह स्तंभ भाई आप लोगों को जो भारतीय जो करेंसी है ना, जो नोट है, आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे ये देखिए, इधर एक जो है ब्लैक कलर की भी जो है गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। और भाई अभी तो फिलहाल का दोपहर का समय है, तो यहाँ पे भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन जैसे सुबह और शाम के समय ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और इस मूर्ति की खास बात यह है कि यहाँ पे जो है गौतम ये ध्यान मुद्रा में जो है बैठे हुए हैं, और ये मूर्ति जो है बिल्कुल काले पत्थर से बनाई गई है। यहाँ पे जो है जो बनारसी साड़ियाँ होती हैं ना, उसकी यहाँ पे बिनाई हो रही है। और इस साइड में भी देखिए, आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप जो है शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब जो बनारसी साड़ी आपकी जो बन रही हैं उसको आप यहाँ पे परचेज भी कर सकते हैं। और ये सामने जो स्तूप देख रहे हैं ना, ये स्तूप जो है सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था। इसकी ऊंचाई करीब 43 मीटर और चौड़ाई करीब 28 मीटर के आसपास में है। और ये जो सामने का पोर्शन देख रहे हैं, ये आपका जो है सारनाथ के म्यूजियम का एंट्री गेट है, और यहीं से आपको जो है आसपास में जो है कई सारे जो तीर्थ स्थल हैं आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कभी भी आप लोग आ रहे हैं ना, तो करीब एक दिन का पूरा समय निकाल के आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है आपके जो इतिहास से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी।
तो भाई यहाँ पे आने के लिए मैक्सिमम चीज़ें जो चीज़ यहाँ पे फेमस हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कि जो ये जो सारनाथ में जितने भी मंदिर वगैरह हैं ये सब जरूरी नहीं कि ये जैन धर्म के लिए, आप किसी भी संप्रदाय के हैं आप लोग यहाँ पे आराम से आके जो है घूम सकते हैं। क्योंकि ये जो स्थान है ना, ये स्थान समझ लीजिए कि बिल्कुल एकदम शोरगुल से एकदम बिल्कुल दूर, यहाँ पे बिल्कुल एकदम शांति मिलेगी आपको।